हम बनाएंगे विंटर स्पेशल चिकन। तो ये मैं बाजार से फ्रेश मुर्गा कटवा के लेके आई हूँ फ्रेंड। मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड आज हम देसी स्टाइल में चिकन बनाने वाले हैं, मटका चिकन। तो मैंने चिकन को धो लिया था, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच जितना। ये मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, उसको हम डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लेमन का जूस ऐड करेंगे। हम इसमें फ्रेश दही डालेंगे, कुटा हुआ ब्लैक पेपर डालेंगे, इससे हमारा चिकन स्पाइसी बनेगा फ्रेंड। कटे हुए ऑनियन डालेंगे हम, स्लाइस में हमने कट कर लिया था फ्रेंड। हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी नई नई रेसिपी मिलती रहे फ्रेंड। इसको हमें अच्छे से मिला देना है फ्रेंड। तो दोस्तों इसे हम कवर करके फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप 3 घंटे रखे और बना सकते हैं फ्रेंड। आज हम देसी स्टाइल में बनाने वाले थे, हम चारकोल की सगड़ी जलाएंगे। सबसे पहले हम चारकोल डालेंगे अंदर। सबसे पहले हम पेपर को जलाएंगे और नीचे हमें डालना है फ्रेंड, तभी जलेगा अच्छे से। तो मैं चिकन को आधे घंटे पहले फ्रिज में से बाहर निकाल लिया था। तो चिकन में हम कुछ और ऐड करने वाले हैं फ्रेंड। हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे फ्रेंड, अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि मैंने मटका लिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं फ्रेंड। अच्छे से हम ऑयल को घुमा देते हैं ताकि पूरे मटके में ऑयल लग जाए। उससे मैंने देसी घी लिया है, हम विंटर स्पेशल चिकन बना रहे हैं तो हम देसी घी का भी इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें कटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं फ्रेंड, वो भी हम डाल देंगे तेल के अंदर। चिकन डालेंगे फ्रेंड, सब अंदर डाल देना है फ्रेंड केयरफुल। अच्छे से मिला देना है फ्रेंड। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मटका इतना काला क्यों है, पाए ये मटके को मैंने 2-3 बार यूज किया था फ्रेंड। इसका ऊपर का कैप है, ये मैंने डो लिया है फ्रेंड, इसको हमें कवर करना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले, वो अच्छे से हमारा चिकन पक जाएगा फ्रेंड। आप भी ऐसे ट्राई करें फ्रेंड, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छे से हमें डो को लगा देना है। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं और अच्छे से हम दबा देंगे। तो चलिए इसे हम रख देते हैं चारकोल के ऊपर। दोस्तों इसे हम चारकोल के ऊपर रख देंगे मटकी को, हमें कम से कम 1 घंटे तक पकाना है फ्रेंड। 15 मिनट के बाद हमें बीच बीच में हमें ऐसे हिलाते रहना है फ्रेंड, खोलना नहीं है, हमें ओपन नहीं करना है, हमें शेक करते रहना है बीच बीच में। तो चलिए गाइस हम 15 मिनट के बाद शेक कर लेते हैं ताकि एक बार जो हमारा चिकन नीचे से लग ना जाए। वापस हमें रख देना है, कर लेते हैं 1 घंटे के बाद। पहले हमें कट कर लेना है। वाओ, तो गाइस इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी शायद यहाँ होते तो आपको ये खुशबू का आनंद मिलता, मैं तो आपको खाने पे भी बुला लेती फ्रेंड। तो दोस्तों हम लास्ट में खुशबू के लिए चिकन का मसाला डालेंगे, पूरा डाल देंगे फ्रेंड। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, और थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अंदर ही रहे। तो चलिए गाइस हम इसे ओपन करते हैं। वाह,
इसको ले ली फिर। तो चेक करके दिखाता हूँ कि चिकन अपना पका है कि नहीं। अब देख सकते हैं ये आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब ये चिकन पक चुका है हमारा। मैं आपको खाते हुए बताता हूँ। वाओ, बहुत ही बढ़िया है, मुंह में जाके ही घुल जाता है और टेस्ट इसका इतना जबरदस्त है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। और मैं आपको उसका ग्रेवी भी दिखाता हूँ। हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला था इसमें बनाते टाइम, आपने देखा था, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कंसिस्टेंसी। आई एम लविंग इट। तो आप भी एक बार एंजॉय कीजिए ऐसी रेसिपी बना के, फिर हमें बोलिए कमेंट में कि कैसी बनती है आपकी। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले फ्रेंड।